बंदे ने मेरे चारों चक्कर लगा दिए हैं। खाना तो आ गया है, वो खाना देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, खा के आप लोग को मैं बताता हूँ। और मिस्टर डेरिक तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आर यू हंग्री? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैं हूँ बाल्टीमोर मैरीलैंड में। कल रात को हम लोग यहाँ पे आ गए थे वाशिंगटन डीसी से, और अभी एक्चुअली जो है शाम का टाइम हो चुका है और मेरे पास मुश्किल से ढाई घंटे हैं। ढाई घंटे के अंदर अंदर मुझे सब घुमाना है आपको, नहीं तो फिर रात हो जाएगी। और एक्चुअली रात को हमें निकलना है यहाँ से डेलवेयर के लिए। और अभी मैं खड़ा हुआ हूँ बाल्टीमोर के डाउनटाउन में, रिवर, ये रिवर वॉक, ये जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये रिवर वॉक है। तो मेरे को ये जो एरिया लगा ना, बड़ा ज़बरदस्त एरिया लगा। और ये यहाँ से ना बहुत सारी चीज़ें देखने को है। ये जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, ये दिख रही है बाल्टीमोर का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। हाँ, मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब भी नाम आता है दिमाग में तो लगता है कि यार वो तो न्यूयॉर्क में है, बट ये यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से बहुत सारी बिल्डिंग आपको दिख जाएगी। आई थिंक इंडिया के अंदर भी, अगर आप गूगल सर्च करोगे ना तो इंडिया के अंदर भी दिख जाएगी आपको। और उसी के पीछे हार्ड रॉक कैफ़े है और एक्वेरियम है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप आते हो घूमने के लिए। तो फिलहाल तो मैं वॉक करने वाला हूँ ये रिवर वॉक पे, तो मैं ऐसे यहीं से ही मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। क्योंकि मैंने आप लोगों को एक रिवर वॉक दिखाई थी जो कि फ्लोरिडा के अंदर टैम्पा की है। टैम्पा की जो रिवर वॉक है वो काफ़ी लंबी है, बट वो इतनी, जैसे अभी ये जो सड़क देख रहे हो बहुत ही चौड़ी इन्होंने बनाई हुई है सिर्फ लोगों के लिए। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो लोग हैं वॉक भी कर रहे हैं। मैंने दो तीन बंदे देखे साइकिल, पता नहीं अलाउड है या नहीं है, बट वो साइकिल चला रहे थे। और इस तरफ में सब आपको यार्ट और बोट वगैरह खड़ी दिखेंगी। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है जो अभी मैंने शाम को यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि दोपहर के टाइम आज जो है सूरज बहुत ही ज़्यादा तेज़ था और शाम के टाइम यहाँ ठंड हो जाती है। अभी जो मौसम है, काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछे थे कि मौसम वगैरह कैसा चल रहा है। जैसे मैं वॉशिंगटन डीसी में था, वहाँ का जो वेदर था काफ़ी शाम को ठंडा हो जाता था और दोपहर में बहुत गर्म था। सेम ऐसे ही ये यहाँ का भी मौसम है। तो अभी मेरे को बड़ी कूल चीज़ दिखी है, यहाँ पे एक पायरेट्स का है शिप, और ये स्टंट कर रहे हैं यहाँ पे शिप से। मैं पहली बार देख रहा हूँ, वो कभी ऐसे घुमा रहा है कभी ऐसे घुमा रहा है, तो काफ़ी कूल लग रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाए हुए। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के क्रूज़ हैं, जैसे ये पायरेट्स वाला क्रूज़ है। तो मैं देख रहा हूँ बंदा उसमें चिल्ला रहा है और डांस कर रहा है, पता नहीं आप लोग को दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, थोड़ी दूर है। बट अभी मैंने यहाँ पे देखा था एक, जो ये मेरे पीछे देख रहे हो एक ब्लू क्रूज़, वो क्रूज़ है मतलब लंच और डिनर के लिए। अगर आप इस रिवर में जाना चाहते हो मतलब साइट सीन करने के लिए, तो वो लंच और डिनर भी देते हैं उसका। हाँ, चार्ज करते हैं, मुझे आइडिया नहीं है कितना करते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ मोस्टली यहाँ पे जो कोविड की वजह से सब बंद है। दोबारा ये जा रहा है। ओ बंदे ने मेरे चारों चक्कर लगा दिए हैं। यार बंदा एकदम जबरदस्त है, उसने क्या स्टंट मार दिया, मेरे तीन बार मेरे पूरा राउंड लेके घुमा दिया है बंदे ने। तो सही मज़ा आ रहा है यहाँ पे बाल्टीमोर में। आई होप कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे रिवर वॉक पे अब काफ़ी टाइम हो गया, अब निकलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन के लिए पहले डार्क होने से पहले, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया रात होने से पहले पहले हमें यहाँ से निकल जाना है डेलवेयर के लिए। एक से एक मस्त जगह है यहाँ पे घूमने के लिए, उसमें से एक जगह है ये ग्राफिटी एली। कम ऑन इन। मिस्टर डेरिक यहाँ पे गेट बंद करके बैठे हुए हैं, बट ये प्लेस बहुत ही कूल है, गेट से लेके जो पूरी आर्ट है। तो ये जो प्लेस है इन्होंने यहाँ पे पूरी आर्ट बनाई हुई है, जितनी भी दीवारें हैं यहाँ तक कि ज़मीन पे भी कोई ना कोई आर्ट बनाई हुई है। बड़ी पतली सी गली है, मेरे को ये गली देख के चांदनी चौक याद आ गई, सिर्फ चांदनी चौक में इस तरीके की आर्ट नहीं है, मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में बना दें। तो ये देखो हम, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, किसी का बर्थडे है समथिंग। Hi. Hi. Happy, happy birthday. Thank you. Yeah, nice. It's not yours, is it? Yes. Really? Yeah. All right. Keep on, keep on. Keep
तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए थोड़ी फोटो वगैरह खिंचवा ली है। अगर फोटो देखनी है यहाँ की तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम मेरा शंटी ड्रीम्स करके है। तो अभी जो मैंने आप लोग को जितना भी एरिया दिखाया, ये एरिया था बाल्टीमोर डाउनटाउन का। तो मेरे को पर्सनली मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मैं फर्स्ट टाइम बाल्टीमोर में घूम रहा हूँ और मतलब मैं सरप्राइज हो गया। मैं यहाँ से एक दो बार निकला हूँ, मतलब जब मैं जा रहा होता था न्यूयॉर्क तो मैं यहाँ से बस ड्राइव करके जाता था, बट उस टाइम चांस नहीं होता था कि यहाँ पे रुकूं और देखूं, और ना ही मेरे को कभी इतना इंटरेस्ट था। बट अब मैं काम के लिए आया और जब मैंने यहाँ पे घूम के देखा कि यार मैं सही में खुद इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गया हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करने को हैं। अगर मतलब मेरा मन कर रहा है, अगर यहाँ पे मैं मूव भी होता हूँ इन फ्यूचर तो यहाँ पे मैं बोर नहीं होऊंगा, क्योंकि जैसे रिवर वॉक हो गया, डाउनटाउन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने देख भी ली हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मिस्टर डेरिक से पूछते हैं, What do you think about Baltimore? Oh, it stinks. It's terrible. Why? I'm just kidding. Mr. Derry like के पास हमेशा ही कुछ special होता है बोलने को. There's a lot to look at, and they really got the waterway here. Yeah. Nicely done, you know. I like it. Lots to do. I think this is better than Tampa. Oh yeah, definitely. मतलब Florida में एक Tampa है, वो वहाँ पे सबसे लंबी जो है river walk है, but वो भी ऐसी नहीं है के उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ। अगर आप वो मेरे चैनल पे जाके देखना चाहते हैं तो टेम्पा करके सर्च करेंगे, वो आ जाएगा। सो डू यू थिंक यू वांट टू मूव हियर? आई डोंट वांट टू मूव हियर। व्हाई? व्हाट्स द रीजन? यू लाइक इट? इट्स टू कोल्ड इन द विंटर। ओके, या दैट्स व्हाई। मिस्टर डेरिक को जो लगता है विंटर पसंद नहीं है, कह रहे हैं विंटर पसंद नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे आऊँ, मूव नहीं होऊंगा बट यहाँ घूम सकता हूँ। तो चलो अब मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ वीडियो के बाद। जब हम लोग कल आए थे वाशिंगटन डीसी से यहाँ पे, तो हम लोगों ने लोकल रेस्टोरेंट सर्च किया और मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि जो अमेरिकन जो टिपिकल फूड होता है वो कैसा होता है। और ये हम लोग लकली यहाँ पे हम लोगों ने एक फाइंड किया जो काफ़ी अच्छा और यूनिक रेस्टोरेंट था और प्राइस भी बहुत रिजनेबल था उसका। तो अब आप वो वीडियो देखो, फिर वीडियो देखने के बाद मिलते हैं। कल हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए एक टिपिकल रेस्टोरेंट में, जो कि यहाँ पे मेरे पीछे अभी उसकी लुक दिखाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। और हमने इसके रिव्यू पढ़े हैं, मतलब के लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त खाना है, तो हमारी भी होप बढ़ गई है। आप लोग को नाम दिखाता हूँ। सो नेम इज़ हनी बी डाइनर। तो नाम भी थोड़ा डिफरेंट है और ये लुक देखो आप लोग रेस्टोरेंट की। इट्स मी। तो ये रेस्टोरेंट की आप लोग लुक देख रहे हैं, क्या लुक जबरदस्त है जो बाहर से लुक आई हुई है। ये यहाँ पे मिस्टर डेरिक बता रहे हैं ऐसे 1950s, 1960s में इस तरीके के सब रेस्टोरेंट होते थे। मिस्टर बी जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं अंदर और अंदर की भी आप लोग को लुक दिखाता हूँ। ओके मिस्टर बी, लेट्स गो इनसाइड एंड ईट सम फूड। अभी आ गया है चिकन सूप और इन्होंने इसमें नूडल्स वगैरह भी डाले हुए हैं। जो इस सूप इन्होंने बनाया हुआ है इसका टेस्ट एकदम प्लेन है, ओवरऑल मुझे पसंद आया। वैसे मेरे को हमेशा स्पाइसी चीज पसंद आती है, बट फर्स्ट टाइम मेरे को कुछ प्लेन पसंद आ रहा है। और मैं फूड रिव्यू देने में इतना अच्छा नहीं हूँ, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। What do you got, man? Spaghetti. This looks good, but... तो फिलहाल खाना तो आ गया है, वो खाना देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, खा के आप लोग को मैं बताता हूँ। और मिस्टर डेरिक तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। Are you hungry? Oh yeah, thank you, ma'am. I appreciate it. Yeah, and your rolls are on. Thank you. Want some Parmesan cheese? Please, when you get the chance. तो ये मैक्रोनी एंड चीज और ये मेरा बेक पोटैटो। तो ना लोग खाना खाने से पहले प्रेयर कर रहे हैं, वो लोग जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, मगर उसके बाद अभी मैंने देखा वो दोनों अलग अलग टेबल पे, ये जो मतलब थोड़े ओल्ड एज गाय हैं उन्होंने बोला उनको कि खाना खाने से पहले प्रेयर करनी चाहिए। तो वो सबको सब प्रेयर कर रहे हैं कैसे एक दूसरे को टच करके। तो जैसे आप लोगों ने पहले मेरी वीडियो में भी देखा हुआ कि मैं अपनी जो अमेरिकन फ्रेंड के साथ कहीं पे भी जाता हूँ या उनके घर पे जाता हूँ, तो उनके घर खाना खाता हूँ तो खाना खाने से पहले प्रेयर करते हैं। तो जैसे हम लोग भी कभी कभार दिल में बोल देते हैं, बट मैं आपको सच बोलूँगा कि मैं ऐसे करता नहीं हूँ प्रेयर वगैरह, बट इनको देखने के बाद अच्छा लगता है, ऐसे लगता है करनी चाहिए। तो जो है यार बहुत ही अच्छी है जो हमें खाना सर्व कर रही है, मतलब हर 2-3 मिनट में आके पूछे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए,
और जैसे अभी मिस्टर डायरी के खाना खाते हुए वो अपना टी पी रहे हैं तो उनको बार बार रिफिल कर रहे हैं। यहाँ पे है, अगर आप जैसे टी वगैरह लेते हो या कोल्ड ड्रिंक लेते हो रेस्टोरेंट में तो फ्री रिफिल होता है, आप कितनी बार भी अगर रिफिल कराना चाहते हो तो फ्री होता है। पैसे जो एक बार उन्होंने लिखे हुए हैं जैसे $2 फॉर वन ड्रिंक, बट बैठे बैठे आप कितनी बार भी उसको रिफिल करा लो। टोटल प्राइस है टैक्स वगैरह के बाद और टिप देने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। अमेरिका में टिप देना जरूरी होता है अगर आप कहीं बैठ के खा रहे होते हो, जैसे अभी हम लोग रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे होते हैं तो वहाँ टिप देना भी जरूरी होता है और टैक्स भी लगेगा। तो देखते हैं फाइनल जो मेरा बिल कितने का बनता है। थैंक यू। मेरे को केक मिला है जो मैंने डिश खरीदी थी उसका पार्ट है, ये लास्ट में आया है, खा के देखते हैं। आप लोग को एक बार इसकी भी लुक दिखा देता हूँ। खाना जो है कंप्लीट हो गया है और टैक्स वगैरह और टिप वगैरह लगा के जो मेरा खाना पड़ा मुझे $19 का पड़ा। तो मैं बोलूँगा $19 में इतनी सारी जो डिश मिली है बुरा नहीं था। और अभी काफ़ी दिनों से जब से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं इतना महंगा खाना खा नहीं रहा था, मतलब एक टाइम का इतना महंगा नहीं खा रहा था, क्योंकि तीन टाइम जो होता है बाहर खाना होता है तो अगर तीन तीन टाइम अगर बाहर ऐसे खाएंगे मतलब $20-$20 का तो खाने पे ही $60 खर्च हो जाएंगे। तो थोड़ा सा बैलेंस करके मैं चलता हूँ पूरे दिन में। बट आज मैंने सोचा आप लोगों को दिखाते हैं अमेरिका का जो टिपिकल जो खाना होता है वो कैसा है। आपने देख लिया इस वीडियो में बाल्टीमोर मैरीलैंड, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं डेलवेयर के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही था, मैं आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलो, वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, और जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो के एंड में बोलता हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई लव यू दोस्तों, बाय।